पर मैं हूँ आपके साथ वर्षा कोली। रेवाड़ी शहर में यातायात सुरक्षा रैली निकाली गई। ट्रैफिक इंचार्ज श्री सुखबीर सिंह ने कहा, वाहन धुंध में धीमी गति से चलाएं, सड़क यातायात नियमों का पालन करें और पॉलिथीन मुक्त रेवाड़ी बनाएं। रेवाड़ी की नई पुलिस चौकी पर नंदिनी देवी ने कहा, प्लास्टिक थैली ना देकर कपड़ों की थैली का प्रयोग करें। पूरी खबर जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, खुद भी असुरक्षित रहते हैं, दूसरों को भी असुरक्षित रखते हैं। शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, काम कराते हैं और उनको समझाते हैं। तो आज छूट दी गई है, आज भी इनको समझा रहे हैं और अगर नहीं मानेगा ना चलान भी करते हैं और थाना के आदेश के अनुसार उन्हें चलान करेंगे। तो कागज की गाड़ी चलाएगा या बगैर कागज मिलेगा, बगैर हेलमेट मिलेगा, बगैर सीट बेल्ट मिलेगा और 300 बच्चे चलेगा और रॉन्ग पार्किंग चलेगा, रॉन्ग पार्किंग में गाड़ी खड़ी करेगा उनको नहीं बख्शा जाएगा, उनको बिल्कुल किसी हालत में नहीं बख्शा जाएगा। सर मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने नए साल की शुरुआत हमें पॉलिथीन मुक्त भारत के साथ करनी चाहिए और हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि हमें प्लास्टिक का यूज बंद करना है। तो आज क्यों ना इस नए साल की शुरुआत हम इसी चीज से करें ताकि लोग भी, मतलब मैं थैले बांट के मोटिवेट करना चाहती हूँ लोगों को ताकि लोग प्लास्टिक का उपयोग बंद करें और थैले कपड़े के थैले का इस्तेमाल शुरू करें और जिससे हमारा एनवायरमेंट पूरा पोल्यूट फ्री रहे और हमारी धरती साफ और स्वच्छ बने। आज आप कहाँ कहाँ बांट रही हैं थैले? सर मैंने अभी तो यहीं से ही शुरुआत की है और मैं रेवाड़ी शहर में जितनी भी और जगह है जो भी पब्लिक प्लेसेस है जहाँ पे लोग ज़्यादा मौजूद होंगे वहाँ पे मैं कपड़े के थैले बांटूंगी। नंदिनी आप स्टूडेंट है, ये विचार कैसे आया आपके मन में? सर मैं हालांकि मैं एक स्टूडेंट हूँ तो स्टूडेंट ही आगे का हमारे भारत का एक नागरिक, अच्छा नागरिक बनने वाला है। तो सर हमारे दिमाग में सारी बातें होनी चाहिए कि हमें अपनी पृथ्वी को कैसे बचाना है, हम भारत के लिए क्या कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो सर मेरे दिमाग में विचार बहुत पहले से था और मैं काफी सालों से इस काम को कर रही हूँ। बहुत अच्छा कार्य है जी, बहुत ही अच्छा कार्य है। इस बार अपने यूज ना करें और कपड़े की थैली यूज करें, ये आपकी नींव बचाने का अच्छा तरीका है। हाँ ये बढ़िया है, बिल्कुल अच्छा। और को भी करना चाहिए, और को करना चाहिए, सभी ने करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है।